हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। मैं अभी एक दोस्त के घर पे हूँ क्योंकि कल मैं लेट हो गया। हमारे गांव जाने के लिए साधन नहीं मिला तो उसके साथ मैं इधर आ गया था। तो उसके गांव के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, उस नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है उनका घर और गाँव। अभी हम पी रहे चाय, आप भी पी लो। गुड्डू हाथ तो हटा, हाथ तो हटा। ये हमारी मासी जी है जो अभी भैंसों के लिए रावड़ी बना रही है। आपको माहौल चल रहा था, पड़ता ही पड़ता टंगरे ऊपर। भगवान महावीर का मंदिर है, महावीर जी में। तो दोस्तों अभी मैं आधे रास्ते में पहुंच गया और यहां से मुझे यार या तो जीप से जाना पड़ेगा या बस से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़का मेरा दोस्त था ना वो तो गया कॉलेज, मुझे यहाँ से जाना है। दोस्तों जीप मिल रही है, मैं इससे जा रहा हूँ। सब्जी रखी हुई है इसमें, अभी डीजल भरवा रहे हैं इसमें। रेट बहुत है डीजल पेट्रोल की फिलहाल में। तो ये सामान रखा हुआ है, केला वगैरह, फल फ्रूट वाली गाड़ी है, सब्जी फब्जी लाती है दुकानों को। और ये है हनुमान जी का मंदिर। आज है मंगलवार तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और चुनाव भी है तो उनके लिए लगी हुई है वैसे। तो दोस्तों देख सकते हैं चारों साइड। यार अभी मेरा पुराना स्कूल आने वाला है जिसमें मैं छठी से लेके दसवीं तक पढ़ा था। ये स्कूल था मेरा पहले जिसमें मैं छठी से दसवीं तक पढ़ा था। देखो दोस्तों, इसमें मैं 11 और 12 में पढ़ा था। ये गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गांव के पास में कोटरी। अब तो बहुत मस्त बना दिया, पहले इतना अच्छा नहीं था। पहले भी अच्छा था लेकिन इतना नहीं था, अब तो मस्त दिखता। ये हमारे जाने पहचाने कोटरी के दुकानदार, इनका नाम है खेमू। अभी मैं पहुंच गया हूँ कोटरी और यहाँ से जा रहा हूँ मैं पैदल पैदल। रास्ते में कोई गाड़ी मिलेगी तो बैठ जाऊँ, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा घर तक। आधे रास्ते में पहुंच गया लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं आई और पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। और जो ये इसमें हमेशा पानी रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पहुंच चुका हूं मैं घर पर। दोस्तों अभी मैं अर्जुन के बारे नाम लिखने जा रहा हूं क्योंकि हमारे गांव में एक रोग चल रहा है और जो जानवरों के पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे। और हमारे बुजुर्ग बोलते आए हैं कि अर्जुन के बारे नाम लिखकर किसी पेड़ में जो हमारा घर है ना उसके आसपास बांध दो तो वो रोग नहीं लगता भैंसों के या जानवरों के कुछ भी हो। ठीक है, तो अभी लिखते हैं अर्जुन के बारे नाम और
टांगते हैं उसको एक नीम के पेड़ में, ठीक है। दोस्तों हमने नाम लिख लिए, ये है अर्जुन के 12 नाम। अभी इसको लगाना है हमें पेड़ में। दोस्तों हमने लास्ट में बांध दिया, शायद इससे रुक जाए वो जो रोग है, वो नहीं आ पाए इधर, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? यदि ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ 17-18 को, तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और खुश रहा करो यार, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, ठीक है, बाय।